हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आम का अचार। एक मीठे वाले आम है, इसको लड्डू आम भी बोलते हैं। अभी धूप का लाए इसलिए हम मीठा आम का जो अचार है डाल के रखेंगे तो साल भर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हमने बड़े बाउल से एक बाउल आम को छील कर ऐसे पतले पतले पीसेस कर लिए हैं। अब इसके लिए हमें लेना है, जितने हमने आम के पीसेस लिए हैं उससे आधा कटोरी ये गुड़ है पाउडर फॉर्म में, एक कटोरी से एक कटोरी आम के पीसेस लिए हैं, टुकड़े लिए हैं, और आधा कटोरी गुड़ लिया है। इसमें हम गुड़ को डाल देंगे। इसमें डालने हैं हम कुछ मसाले, ये है मीरा, ये है कलमी, दालचीनी, यह काला नमक, ये सफ़ेद नमक, जीरा और ये मेथी दाना। इससे हम कुछ मसाले गरम करके बारीक कर लेंगे, लेकिन जो मिर्ची पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, इसको हम डाल देंगे। अब इसी में डाल देंगे हम ये वाला काला नमक, थोड़ा सा चटपटा सा स्वाद आएगा इसलिए हम काला नमक डाल रहे हैं। अब इसी में डाल देंगे हम जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं वो सफ़ेद नमक। जो ये मसाला है उसको बस 2 मिनट तक सेक लेना है। सबसे पहले हम डाल देंगे काली मिर्च, इसमें से सिर्फ 2 ही टुकड़े दालचीनी के डाल देने हैं, और डाल देना है मेथी दाना। जीरे को हम आखिर में भून लेंगे। अब गैस को चालू कर देंगे। अब बिल्कुल थोड़ा सा इसे भून लेना है, इसमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। बस इस तरह से मसाले को बस थोड़ा सा भून लेना है। अब गैस को बंद कर देंगे। अब इसको एक प्लेट में निकाल देंगे, इसको बस थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। कढ़ाई गर्म ही है, अब इसमें डाल देंगे हम जीरा। गैस को बिल्कुल चालू नहीं करना है, बस गरम कढ़ाई में इसे बस थोड़ा सा सेक लेना है। भुने हुए जीरे से अच्छा सा स्वाद आता है। बस इसको अब निकाल लेंगे प्लेट में। मसाले को अच्छे से ठंडा होने देंगे, बाद में इसे दरदरा सा मिक्सी में बारीक करके लेना है। मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है, इसके हम थोड़े से टुकड़े करके लेंगे हाथों से। इसको मिक्स जार में डाल के मिक्सी में 1-2 बार इसे अच्छे से बारीक करके लिया है। जो मोटा मोटा सा पार्ट है वो थोड़ा सा होने का है, इसलिए हम एक बार और इसको बारीक करके लेंगे। बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया, बस इसी तरह का करना है, बिल्कुल दरदरा सा करना है, एकदम बारीक नहीं पीसना है। इस तरह से मसाला तैयार हो गया है मीठे अचार का। आप कोई भी अचार में इसे डाल सकते हो मीठे वाले। अब इस पर डाल देंगे हम मसाला। अब इसको मिक्स करना है अच्छे से, इस तरह से इसको इस तरह से मिक्स करके रख देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद हम इसे खोलकर देखेंगे। ये देखो गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, इसका पानी भी छूट गया है, ये देखो। अब इस अचार को हम एक कंटेनर में भरकर रख देंगे जो एयर टाइट हो। इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। आप इसे फ्रिज में स्टोर कर भी, हम इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देंगे। अगर आप चाहे तो इसे बाहर रख सकते हो फ्रिज के, लेकिन इसके लिए पानी रखना होगा। अब साफ़ सुथरा कंटेनर लेंगे बिल्कुल सूखा हुआ, और इसमें डाल देंगे।
इस तरह से कंटेनर में भर के रख देना है। बोतल को कांच की लेनी है, प्लास्टिक की बिल्कुल नहीं लेनी है। अब इसको पैक करके रख देंगे इस तरह से। इसे आप साल भर तक यूज़ कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, या अगर फ्रिज के बाहर रखना है तो इसे पानी में डुबा कर रखना पड़ेगा बोतल को, यहाँ तक जब गर्मी चली जाएंगी तब इसको पानी से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।